गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं रिपुदन पांडे आप सभी को MKF क्लासेज के माध्यम से पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस ही है, जिसका मैंने कल असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था और आज हम उसी क्रम में आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, यस या नो टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप सेंटेंस। तो यस या नो टाइप सेंटेंस में क्या होते हैं कि ये ऐसे वाक होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी वाक लेंगे, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, तो हाँ या ना में आप बता सकते हो। तो क्या वह स्कूल जाएगा, तो इसको हाँ या ना में बताया जा सकता है। और दूसरा होता है WH टाइप, ऐसे सेंटेंस जो अंग्रेजी के WH अक्षर से प्रारंभ होते हों, प्रश्नवाचक वाक हों। जैसे कहा जाए तुम कहाँ रहते हो, तो आप हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं। आप किसी विलेज का नाम, किसी शहर का नाम बताएंगे, तुम यह काम कैसे करते हो, तो हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन हर सेंटेंस स्टार्ट होगा W या H से ही। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो पहला अक्षर W, हाउ आर यू, तो पहला अक्षर H, तो H या W से ही स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान इफ टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, जिसका हम अफर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव में यदि क्या शब्द वाक्य पहले है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया को लेते हैं। तो सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, कल नेगेटिव सेंटेंस हम चर्चा किए थे, डू या डज है। तो डू का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग होता है एकवचनकर्ता के साथ। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, अब देखना ये पाए क्या शब्द अगर वाक्य पहले है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तब क्या करते हैं, इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है, डू या डज। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता और आई यू वी दे के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, यू मतलब तुम, तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा। फिर लिखेंगे तुम की अंग्रेजी यू। अब आ जाएंगे क्रिया पे, क्रिया क्या है, जानना, तो जानना का अंग्रेजी होती है नो, तो डू यू नो इंग्लिश। कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर क्या शब्द वाक्य पहले है तो आपको कर्ता को देखना है, कर्ता अगर एक वचन है या प्रोनाउन ही सी ईट है तो आपको डज लिखना है, कर्ता अगर बहुवचन है या प्रोनाउन आई यू वी दे में से कुछ है तो आपको डू लिखना है। तो क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या रमेश आज पतंग उड़ाना चाहता है, तो क्या की अंग्रेजी आपको लिखनी नहीं है। रमेश को देखेंगे, रमेश क्या है, एक वचन करता है, तो एक वचन करता है तो इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले डज को लिखेंगे, फिर रमेश, और फिर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब पे आना है, तो वर्ब क्या है, चाहना, तो चाहना का अंग्रेजी वांट। अब वाक्य में अगर दूसरी क्रिया है उसमें नानी ने लगा हुआ है लास्ट में, तो उसके पहले हम टू लगा देते हैं, उड़ाना का अंग्रेजी फ्लाई, और फ्लाई से पहले टू लगा देंगे तो हो जाएगा टू फ्लाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फ्लाई को इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किए हैं, जिसके बारे में चर्चा हम जब नॉन फाइनाइट ऑफ द वर्ब पढ़ाएंगे आपको तो जरूर करेंगे अच्छी तरह से। इन्फिनेटिव क्या है, जिरंड क्या है, पार्टिसिपल का है क्या है।
तो डज रमेश वांट टू फ्लाई द काइट टुडे? ठीक, तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे क्या, कब, कितना, क्यों, कैसे और कहाँ। इनमें से कोई भी शब्द अगर वाक्य के बीच में मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसी की अंग्रेजी लिखनी है। क्या शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखनी है, कब शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे बाग में आम कब तोड़ते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कब की अंग्रेजी लिखनी है, तो कब की अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन। अब उसके बाद आपको लिखना है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, डू या डज। तो डू का प्रयोग कब होता है, जब कर्ता बहुवचन होता है। डज का प्रयोग कब करते हैं, जब कर्ता एक वचन होता है। तो यहाँ पे वे की अंग्रेजी दे, तो दे क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डू। तो व्हेन डू दे। अब क्रिया पे आ जाएंगे, वर्ब तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी स्टूडेंट्स होता है प्लक। तो व्हेन डू दे प्लक आम की अंग्रेजी मैंगो। इन द गार्डन, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह स्कूल कब जाता है, सॉरी वह स्कूल क्यों जाता है। चलिए दूसरा इंट्रोगेटिव शब्द कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। अब वाई के बाद क्या करेंगे, कर्ता को देखेंगे, तो कर्ता यहाँ पे वह है, वह की अंग्रेजी ही क्या है, एक वचन है, तिफलेफ के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो वाई डज ही गो टू स्कूल। अब इसी में कुछ और वाक्यों पर चर्चा करते हैं जो छात्रों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे हाउ मच या हाउ मैनी। हाउ मैनी, तो हाउ मच या हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितना, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। हाउ मच का प्रयोग हम तब करेंगे जब कितना के साथ कोई ऐसी संज्ञा है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हो, मतलब जिनकी हम गिनती ना कर पाएँ, तो फिर हम उस संज्ञा के साथ कितना की अंग्रेजी हाउ मच लिखेंगे। जैसे कितना पानी, तो पानी तो आप गिन नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, हाउ मच वाटर। जैसे कहा जाए कितनी किताबें, तो किताब तो आप गिन सकते हो, तो हाउ मैनी बुक्स। कितनी कलम, हाउ मैनी पेन्स। कितना धन, तो हाउ मच मनी। कितना रुपया, रुपया गिना जा सकता है, तो हाउ मैनी रुपीज। क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो पोसेसिव केज में प्रयोग किए जाते हैं, संबंध कारक में। जैसे तुम कितना धन खर्च करना चाहते हो, अब यहां देखेंगे कितना के साथ जो संज्ञा है, ये दोनों शब्द एक साथ निकल के बाहर आएगा, क्योंकि हाउ मच या हाउ मैनी का प्रयोग पोसेसिव केज में ही किया जाता है, संबंध कारक में। इनके साथ जो संज्ञा रहेगा वो अभी बाहर आ जाएगा। तो कितना धन, तो धन तो आप गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए क्या होगा, हाउ मच मनी। अब इसके बाद कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है इसका, तुम की अंग्रेजी यू, तो बहुवचन है, तो इसके बाद किसका प्रयोग होगा, डू का।
बहुवचन कर्ता और आई यू वी दे के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। डू के बाद तुम के अंग्रेजी यू, अब चाहना का अंग्रेजी वांट और खर्च करना स्पेंड, इसके पहले फिर टू लग जाएगा, इसको भी इन्फिनिटिव बना के प्रयोग करेंगे क्योंकि नाने नहीं लगा हुआ है। तो हाउ मच मनी डू यू वांट टू स्पेंड, तुम कितना धन खर्च करना चाहते हो। अगर यही वाक्य होता कि तुम वह कितना रुपया खर्च करना चाहता है या वह कितना रुपया खर्च करता है, क्वेश्चन मार्क। अब कितना रुपया, तो रुपया यहाँ पे गिना जा सकता है, इसलिए रुपया के साथ क्या आएगा, हाउ मैनी आएगा। तो क्या होगा, हाउ मैनी रुपीज अब यहाँ कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, ही, तो ही के साथ आएगा आपका डज, डज ही स्पेंड। इसी तरह से अगर कितना के साथ कोई ऐसी संज्ञा है जिसकी गिनती हो सकती है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी होगी, और ऐसी संज्ञा होगी जिसको आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होगा, तो उसके साथ हाउ मच का प्रयोग होगा। दो इंट्रोगेटिव शब्द और जो पोसेसिव के जो प्रयोग किए जाते हैं, विच और हुज। ये भी पोसेसिव केज में ही प्रयोग किए जाते हैं संबंध कारक में, अर्थात इनके साथ जो संज्ञा है वह भी इनके साथ निकल के बाहर आएगी। जैसे तो इसको अच्छी तरह से हमें समझना है कि कहाँ हम विच का प्रयोग करेंगे, कहाँ हुज का प्रयोग करेंगे। वैसे विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, हुज मतलब किसका। लेकिन जब इसके प्रयोग को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, वह आज वह कौन सी किताब पढ़ना चाहता है या वह कौन सी किताब पढ़ता है, अब कौन सी किताब, ये तीनों शब्द एक साथ बाहर आ जाएंगे। अब यहां कौन सी की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है, अब ध्यान दीजिए, जैसे विच हुज, तो विच का प्रयोग तब करते हैं जब हम उसी से रिलेटेड चीज़ की बात की जाती हो। जैसे कौन सी किताब, तो हम किताब की बात कर रहे हैं, उत्तर निकल के आएगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या रामायण, कोई भी किताब का नाम आएगा तो होगा विच बुक। विच बुक, इसके बाद वह क्या है, एक वचन है, इसलिए ही के साथ आएगा डज, डज ही, पढ़ना की अंग्रेजी रीड। इसी से मिलता जुलता वाक लिखते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हुज कहाँ आएगा। जैसे इसी में हम वाक को लिखता हूँ, वह कौन सी किताब पढ़ता है, वह किसकी किताब पढ़ता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कहाँ हम विच का प्रयोग करें, कहाँ हुज का प्रयोग करें। जैसे वह किसकी किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों वाक्यों को देखते हैं, कौन सी किताब, तो कौन सी किताब पढ़ता है, तो मैं किताबें को पूछ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी किताब लिखा है, लेकिन मैं इसको नहीं पूछ रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो कोई व्यक्ति है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे वह किसकी किताब पढ़ता है, यानी कि रमेश, सुरेश, महेश या कोई व्यक्ति होंगे जिसकी किताब वो पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में किसकी की अंग्रेजी होती है हुज, हुज बुक। अब वह के साथ यहां भी डज आएगा, डज ही रीड। स्टूडेंट, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया था कि निर्जीव के साथ विच का प्रयोग करते हैं, सजीव के साथ हुज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कहा जाए कक्षा में कौन सा लड़का शोर मचाता है, यहाँ भी विच आएगा, विच बॉय,
कक्षा में हाँ कक्षा में कौन सा लड़का शोर मचाता है, तो विच बॉय मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। अगर ये कहा जाए कि कक्षा में किसका लड़का शोर मचाता है, तो मैं लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के के जो पिताजी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हो जाएगा हुज बॉय मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। जैसे कहा जाए तुम कौन सी कार चलाते हो, तो स्पेशली मैं कार ही की बात कर रहा हूँ, तो विच कार डू यू ड्राइव, और तुम किसकी कार चलाते हो तो हुज कार, यहाँ पे अब कार की बात नहीं हो रही है। जब उसी चीज़ की बात होगी तो विच होगा, जब उससे संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति की बात होगी तो हुज होगा। क्लियर हो गया होगा। तुम जैसे वह किसकी किताब चुराता है, तो हुज बुक डज ही स्टील, वह कौन सी किताब चुराता है, तो विच बुक डज ही स्टील। जैसे हाँ आपने देखा हो, हाँ तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो क्या ट्रांसलेशन होता है, इन विच क्लास डू यू रीड। अगर यही बात कहा जाए तुम किसके कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ क्लास की ही बात हो रही है, 9 में पढ़ते हो कि 10 में पढ़ते हो 11 में पढ़ते हो। लेकिन जब कहा जाए तुम किसके कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ क्लास की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे आएगा हुज, इन हुज क्लास डू यू रीड। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ एक इंट्रोगेटिव शब्द है। इंट्रोगेटिव शब्द कभी कभी सब्जेक्ट का भी काम करता है, जैसे लोग बताते हैं ना प्रश्नवाचक शब्द के बाद डू या डज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कर्ता के रूप में होगा तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन होगा, अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह। जैसे कहा जाए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता मतलब क्या होता है, काम को करने वाला, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने वाला काम, तो पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, तुम तो कर नहीं रहे हो तो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट है तुम्हें, कौन ही करता है, और कौन आपका प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो इसकी अंग्रेजी तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द की, लेकिन ये कर्ता भी है तो कर्ता के बाद थोड़ी डू डज का प्रयोग होता है, तब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन और हु ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एक वचन बहुवचन दोनों होता है। वाक्य से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो एक टीचर पढ़ाते होंगे, तो हु टीच माने पढ़ाना, तो टीचेज क्रिया में सही एफ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हु को हम एक वचन मान रहे हैं। अगर आप ई एफ नहीं लिखते हैं तब भी ये सही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको अंग्रेजी दो तीन लोग पढ़ाते होंगे, एक से ज्यादा लोग पढ़ाते होंगे, तो हु टीचेज यू इंग्लिश इन द क्लास, तुम्हें अंग्रेजी सॉरी क्लास नहीं है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसी तरह से जैसे कक्षा 10 में एक पाठ है, तो वहाँ पे कर्ता के रूप में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। जैसे लिखा है व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, अब व्हाट के बाद डू डज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, और रेस्क्यूज रेस्क्यू में ई एफ क्यों लगाया गया है, तो क्या मतलब हुआ, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर मतलब खतरे में व्यक्ति को क्या बचाता है, तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि बचाने वाला काम हो रहा है, तो बचाने वाला काम कौन कर रहा है, क्या का जो उत्तर होगा वही कर रहा है, तो यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट के रूप में है। स्टूडेंट यही ध्यान देना है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कर्ता के रूप में है तो डू डज का प्रयोग आपको नहीं करना, अगर आप करते हो तो गलत है वाक्य। जैसे हाउ मच हाउ मैनी हम पढ़ चुके हैं, अब जैसे कहा जाए कितने लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, अब देखना है यहां पे कितने लड़के कौन सा काम हो रहा है, मचाने वाला काम हो रहा है, तो मचाने वाला काम कौन कर रहे हैं, कितने लड़के ही कर रहे हैं, तो ये जो पूरा कितना लड़का संबंध कारक शब्द के साथ जो संज्ञा है पूरा प्रश्न सबसे पहले लिखते थे सहायक क्रिया लिखते थे, लेकिन यहां पे ये सब्जेक्ट है, लड़कों को आप गिन सकते हो, तो इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मैनी। अब कितने लड़के वाक्य में
शोर मचाने का काम कर रहे हैं, करता है, तो इसलिए यहाँ टू डज का प्रयोग नहीं होगा। हाउ मैनी बॉयज, अब बॉयज बहुवचन है, तो इसलिए मेक एंड वॉयज, मेक में कुछ नहीं जुड़ेगा। इन द क्लास हाउ मैनी बॉयज, मेक एंड वॉयज, इन द क्लास। अब इसी वाक्य को मैं लिख रहा हूं, जैसे कहा जाए वह घर पर कितना घंटा सोता है या कितना घंटा आराम करता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे कितना घंटा, घंटा छूट गया है, वह घर पर कितना घंटा आराम करता है। अब कितना घंटा, घंटा को आप गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ भी हाउ मैनी होगा, हाउ मैनी आवर्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कर्ता क्या है, वह, तो हाउ मैनी आवर्स डज ही आराम करना, टेक रेस्ट, कहाँ आराम करता है, एट होम। अब दोनों वाक्यों को मैं इसलिए लिखा हूँ ये क्लियर करने के लिए, यहाँ हाउ मैनी बॉयज के बाद डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ हाउ मैनी आवर्स के बाद डज का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने लड़के सब्जेक्ट के रूप में कर्ता का काम कर रहे हैं, शोर मचाने वाला काम कौन कर रहे हैं, कितने लड़के ही कर रहे हैं, लेकिन इस वाक्य में आराम करने की बात हो रही है, तो आराम कितना घंटा नहीं कर रहा है, आराम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कर्ता वह है, तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं, उसके पश्चात सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द ही वाक्य में कर्ता के रूप में हो तो आप डू डज का प्रयोग नहीं करते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब कल के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद। कई मिनट बना लो।